आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं लेने जा रही हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स। एक्साइटमेंट तो ऐसी है कि मैं सो ही नहीं पाई सारी रात और सुबह होते ही हो गए रेडी और चुपचाप दबे पाँव निकल गई एप्पल स्टोर जो कि है साकेत के सिलेक्ट सिटी मॉल में। वहाँ के लिए मैंने उबर बुक किया और भगवान की दया से तुरंत मिल भी गया। सुबह सुबह का समय है, ना कोई इंसान सड़क पे और ना ही कोई शॉप ओपन है। मुझे लगा कि मैं इतने मॉर्निंग में दिल्ली की सड़कों पे कभी नहीं निकली। खुशी तो इतनी थी कि क्या बताऊँ, बट ये अचानक से मेरे कैब का टायर पंचर हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ड्राइवर भैया ने बताई कि उनको पंचर का पता ही नहीं था। एक्चुअली एक ऑटो ड्राइवर ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि उनका टायर पंचर हो गया है। मैं सोचने लगी कि ऑटो ड्राइवर को इनका नंबर कैसे मिला। इन्होंने खुद बताया कि इनकी गाड़ियों के साइड में जो नंबर होते हैं ना उन पे कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी इशू हो तो, और इसीलिए ऑटो ड्राइवर ने उसी नंबर पे कॉल भी कर लिया। आज भी लोग इतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैं ये सोच के दंग रह गई थी। फिर वहाँ से निकलकर हम पहुँच गए सिलेक्ट सिटी मॉल एंड वहाँ जाने के बाद सिक्योरिटी वाले ने कहा कि सुबह 5 बजे से लाइन लगी है मैडम। आई वॉज सो शॉक। और जब तक मैं एंट्रेंस पे पहुंची सुबह के 8 बज चुके थे और वहाँ के सिक्योरिटी ने मुझे रोक लिया और बोला कि ऊपर अभी बहुत भीड़ है तो फिलहाल के लिए यहीं पे आप लाइन लगा लो। फिर उन्होंने मुझे ये क्यू कार्ड दिया और बोला आप अंदर जा सकते हो। एंड अंदर पहुंच के ओ माय गॉड, इतनी लंबी लाइन, यहाँ नहीं जाना है, सिक्योरिटी ने कहा इधर जाना है। मैंने कहा ओके, ये क्या इतने लंबी आईफोन के लिए लाइन लगी है, चलो लाइन में तो लग गए। इस लाइन में जब खड़े थे तो मालूम पड़ा कि आगे की तरफ भी एक और लंबी सी लाइन लगी हुई है जो कि डायरेक्ट एप्पल स्टोर के अंदर लेके जाएगी। और तब मैंने समझ लिया कि आज का तो पूरा दिन यही निकलने वाला है। खैर, दूसरी लाइन की तरफ मैं जब जा रही थी तो मेरे पास जो वो क्यू मैनेजमेंट का कार्ड था वो मैंने सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में दिया एंड यहाँ पे लाइन में लग गई। जब मैं लाइन में खड़ी थी तो मैंने काफ़ी सारे रिपोर्टर्स, न्यूज़ चैनल रिपोर्टर्स को देखा, एंकर्स को देखा जो कि इंटरव्यू लेने के लिए और यहाँ के पूरे सिचुएशन को कवर कर रहे थे। एंड सामने ही मेरे पास कोई एक न्यूज़ चैनल का बंदा आया जिनको मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे, तो उनको मैंने एक सॉर्ट ऑफ अपना एक फर्स्ट आईफोन लेने की खुशी के एक्साइटमेंट में पूरा अच्छा खासा भाषण दे दिया। एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि आज तो मैं घर ले के ही जाने वाली हूँ इस आईफोन को। एंड इंटरव्यू देने के बाद मैं वापस से खड़ी हो गई लाइन पे एंड बाद में मैंने देखा कि कुछ एप्पल एग्जीक्यूटिव्स अपने हाथ में ये टैब लेके आए हैं एंड दे वर आस्किंग ईच पर्सन कि भाई आपको कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा डिवाइस लेना है। एंड देन मुझे मालूम पड़ा कि मैं जो डिवाइस लेने आई हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स 512 GB वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। एंड फिर मैंने कहा कि ठीक है 1 TB के बारे में, तो ये कह रही हैं कि नहीं 1 TB भी नहीं है। एंड देन फिर मैंने कहा कि अभी क्या कर सकते हैं आप ये बताइए, तो अभी, और इनका ये कहना था कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप प्री बुक करोगे भी तो पहले आपको वेबसाइट पर जाके चेक करना पड़ेगा कि अगर स्टॉक में है तभी आप आके प्री बुक कर सकते हो एंड वो भी आफ्टर 3 to 4 weeks अवेलेबल होंगे। आई वॉज लिटरली वेरी सैडेंड कि भाई इतनी सुबह आके उठ के और इतनी दूर से आने के बाद, इतना लंबे लाइन में लगने के बाद भी आप लोगों ने पहले क्यों नहीं कन्वे किया कि स्टॉक ही नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि ओके, मैं एक बार यूनिकॉर्न स्टोर पे जाके चेक कर लेती हूँ। दुखी मन से मैं पैसिफिक मॉल के जो टैगोर गार्डन में है वहाँ पे जो यूनिकॉर्न स्टोर है वहाँ की तरफ गई। एक्चुअली एक दिन पहले मैंने यूनिकॉर्न स्टोर पे कॉल करके पूछा था प्री बुकिंग के लिए और फिर मुझे लगा था कि इतनी तो भीड़ नहीं होगी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे तो भाई इतने बड़े बड़े बाउंसर्स खड़े थे एंड दे वर नॉट एंटरटेनिंग एनीबडी विदाउट कन्फर्मेशन। मतलब अगर आपने प्री बुक किया है तो उनका एक कन्फर्मेशन कॉल आया होगा, अगर आपके पास कन्फर्मेशन कॉल नहीं आया है तो फिर वो एंटरटेन नहीं करने वाले। इसके बाद मैं निकल पड़ी स्टारबक्स की तरफ अपना मूड ठीक करने के लिए क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। एंड देन फिर वापस हम आ गए अपना मूड लटका के अपने घर की तरफ। एंड दिस वॉज माई स्टोरी फॉर आईफोन 15 प्रो मैक्स। I would rather say this as my struggle to get iPhone 15 Pro Max.